अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ दिखाने लगी हूँ। आज मैं आपको अपनी क्यारी की सैर करवाने जा रही हूँ। छोटी सी क्यारी है हमारी, छोटा सा गार्डन गैल है। इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट अपनी मर्जी का कुछ बीजा हुआ है, लगाया हुआ है। पहले तो मैं आपको बच्चों की क्यारी की दिखाती हूँ। ये आप देखिए, इधर ये बहुत पहले की लगाई हुई मिर्चें, इसमें से बहुत ज़्यादा हम लोग हासिल कर चुके हैं। इनफैक्ट कितनी ज़्यादा का अचार भी डाल चुके हुए हैं। और ये अब पकने पे आ चुकी हैं, देखें तो बहुत गहरी लाल सुर्ख। ये हमारी मिर्चों की छोटी सी क्यारी है, देसी तलहार मिर्च। बहुत ज़्यादा अभी तक भी लगी हुई हैं, साथ साथ पक भी रही हैं, साथ साथ नए फूल भी लग रहे हैं। फूल देखना चाहेंगे आप? आपको फूल दिखाऊं तो इस तरह के इसकी मिर्चों के फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत, छोटे छोटे से सफ़ेद कलर के। और अब आपको मैं दिखाती हूँ अपनी भिंडियाँ। ये हमारी भिंडियाँ लगी हुई हमारे घर के लिए एटलीस्ट काफ़ी रही थी। अब इनको ऊपर से तोड़ दिया गया ताकि ये नई शाखें निकालें और ज़्यादा लगें इस पर। ये देखें, ये भिंडी और इसके साथ के फूल। मज़े की बात पता है क्या इसमें? ये देखिए ज़रा, पहले मेरा गुमान होता था बचपन में कि ये भिंडी है, लेकिन ये भिंडी नहीं होती थी, ये उसकी कली, कॉम्पल, क्या कहेंगे इसे, फूल, फूल की कली। तो ये बिल्कुल भिंडी की मानद होती है शुरू में। पहले देखें तो लगता है जैसे यही भिंडी है, लेकिन फिर ये खिलती है तो इस तरह से फूल खिलने लगता है। फूल खिलने के बाद फिर ये ऐसी भिंडी सामने आ जाती है पीछे पीछे से। फिर अब बारी आ रही है मेरे गुलाबों की। इस वक्त तो आपको इसके ऊपर कोई नहीं लगे हुए दिखेंगे, अलबत्ता एक ज़रूर खिलने लगा, ये इसकी कली, मेरी बेटी है ना छोटी पूनी, वो यहाँ पर आती है और फूलों को एक हाथ रखती है और उसकी पत्तियाँ ले जाती है, तोड़ देती है, बिखेर देती है। ये मिट्टी पूनी के मिट्टी बाबा जान, उन्होंने ये जून जुलाई में सिर्फ इसकी कलमें लगाई थी, इस्लामाबाद से लाए थे वो कलमें, यहाँ पे उन्होंने इसकी प्लांटेशन की थी। और माशाल्लाह जून से कुछ महीने के अंदर ही आप देख सकते हैं, देखिए कितने ही बड़े बड़े पौधे बन चुके हैं। इनफैक्ट इन पे बहुत सारे फूल भी लग चुके हैं, वो कली खिलने को है और भी बहुत सारी बन रही हैं। ये सदाबहार गुलाब मुझे नहायत पसंद थे, तो उन्होंने मेरी खातिर ये पौधे ही लगवा दिए मुझे। फिर ये तो टमाटर, टमाटर बहुत हासिल हो चुके हैं, अब इनको तलफ करने के अलावा इनके पौधों को भी तलफ करने का वक्त आ गया। और इसके आगे हमारा ये पुदीना, पुदीने की भी शाखें देखें ज़रा, पुदीने के सिट्टे निकल चुके हैं, बीज जैसे बनता है, वैसे तो ये जड़ के ज़रिए लगता है, बहुत बड़ा हो चुका है, देखें इसकी जड़ कहाँ से कहाँ जा रही हैं। फिर रहा हमारा ये एलोवेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी जाके सही बढ़ोतरी हो रही है, सही ग्रोथ इसकी जा रही है। अब इसने देखें कई सारे छोटे छोटे पौधे मज़ीद भी पैदा कर लिए।
ये देखें ज़रा टमाटर। और ये रही मेरी गुल दोपहरी, इसका शॉट मैंने डाला था, यूँ ये अब कलियाँ इसके ऊपर बन रही हैं, कल फिर मज़ीद खिलेंगे। ये नेचुरली हमारे घर गया था पौधा, और ये कुदरती घास में से ये किस्म है। अलबत्ता इसमें मज़ीद नस्लें और हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये टमाटर लगे हुए हैं, ये टमाटरों के फूल, और ये रही आपको मैं खूबसूरत तरीन मिर्चें दिखाती हूँ। ये हमारा मिर्चों का पौधा, ज़रा देखिएगा आप, ये देखिए इस पर कितनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं, तरह ताज़ा और लाल सुर। और आज मैं इनको तोड़ने लगी हूँ, क्योंकि अभी इन्हें खुश्क करने का वक्त है। काफ़ी दिनों से ये लाल हुई हुई हैं, हमने बहुत सारी मिर्चें खुश्क भी कर रखी हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है लाल सुर, बहुत ज़्यादा पहले हासिल कर चुके हैं, उसकी भी तोड़ेंगे। ये देखिए सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं मालिक का, इतना खूबसूरत लाल रंग, मैं तो हैरान ही रह जाती हूँ देखकर, इतना डीप रेड, ट्रूली क्रिम्सन कलर। ये तोड़ ली, उसकी भी तोड़ेंगे, फिर उनको भी बहुत सारा बाकियों के साथ रखना है खुश्क होने के लिए। ये देखिए इसकी ऊपर डिज़ाइनिंग देखेंगे नहीं अच्छी, पर बहुत खूबसूरत मिर्चें। ये और नस्ल है, ये मुझे बचपन में लगाई जाने वाली लाइटिंग की याद दिलाती हैं, उनको भी मिर्चें कहा जाता था, शायद याद होगा, देखा होगा आप सबने भी, शादी ब्याह पे जो लगाई जाती थी वो शायद इन्हीं का नाम था, यही वो मिर्चें होती थी। और ये नहीं थी ये, क्योंकि और नस्ल देसी टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं, ये सही ग्लोब लाइट खूबसूरत। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा छोटा सा ब्लॉग, कहें जो मर्ज़ी कह रहे हैं, बहरली मेरा छोटा सा गार्डन है, इसको हम दोबारा नए सिरे से इसमें नया कुछ बहुत कुछ बीजने वाले हैं, लगाएंगे फिर वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरे में खैर ये गुलाबी सी इस तरह से आ रहा है, क्रिम्सन कुछ और शेड है, पर देखने में ये बहुत नहायत खूबसूरत है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।